Dear students, welcome to the today e-lecture of PMRS Performance Management and Retention Strategies Unit 5th, Module 5th, Competency Analysis and Competency Mapping. Today we will discuss lecture number 36. In lecture number 36, we will discuss need development of competency models. कि कॉम्पिटेंसी मॉडल्स को डेवलपमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है. तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग नीड डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी मॉडल्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंसी मॉडल. बेसिकली जो कॉम्पिटेंसी मॉडल है वो एक लिस्ट होती है कॉम्पिटेंसीज की. बेसिकली 5 या 6 अलग अलग ग्रुप्स या क्लस्टर्स हैं, उनसे ऑर्गेनाइज कर उनसे उस चीज़ को निकलवा कर एट्रीब्यूटेबल बनाकर, जिससे कि उस जॉब या डेजिग्नेशन पर जो एक्सेप्शनल परफॉर्मर हैं उनकी क्वालिटीज़ को एक जगह पर लिखा जा सके, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंसी मॉडल बोलते हैं. कॉम्पिटेंसी मॉडल में जो कॉम्पिटेंसीज को लिस्ट किया जाता है बेसिकली उन्हें कोर कॉम्पिटेंसीज बोलते हैं. ये जो कॉम्पिटेंसी मॉडल है इसको यूज किया जाता है किसी भी एम्प्लॉयज़ की कॉम्पिटेंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसके बेस पर उसकी करंट जॉब में परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर उसे प्रमोशन या ट्रांसफ़र के थ्रू दूसरी जॉब के लिए प्रिपेयर करने के लिए. तो अगर हम नटशेल में कहें तो कॉम्पिटेंसी मॉडल एक लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसीज हैं जो कि हर जॉब या डेजिग्नेशन के लिए जिस कॉम्पिटेंसीज की रिक्वायरमेंट होती है उनकी हमने एक जगह पर क्या कर दी है, लिस्टिंग कर दी है. नेक्स्ट आता है नीड ऑफ कॉम्पिटेंसी मॉडल्स फॉर इंडिविजुअल्स, कि एम्प्लॉयज को कॉम्पिटेंसी मॉडल की क्या जरूरत होती है. तो जो कॉम्पिटेंसी मॉडल है उसकी एडवांटेज ऑर्गेनाइजेशन को तो है ही है, लेकिन साथ के साथ वो एम्प्लॉयज के लिए भी बेनिफिशियल है. क्यों? प्रोवाइड एम्प्लॉयज विद डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द वर्क दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम एंड हाउ देयर परफॉर्मेंस विल मेक ए डिफरेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो एम्प्लॉयज को डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कॉम्पिटेंसी मॉडल के थ्रू मिलती है कि उनसे ऑर्गेनाइजेशन को क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और कैसे उनकी परफॉर्मेंस है वो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्रिएट करेगी. सेकेंड, हेल्प करती है कॉम्पिटेंसी मॉडल एम्प्लॉयज को डिटरमाइन करने के लिए कि उनको अपनी की परफॉर्मेंस देने के लिए कौन कौन से टूल्स चाहिए होंगे और किस एक्सटेंट तक रिक्वायर्ड होंगे जिससे कि वो अपना आउटपुट या रिजल्ट दे सकें, यानी कि उनको क्या प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट होगी जिसकी वो प्लान कर सकें और पीरियोडिकली उसे अपडेट कर सकें. कॉम्पिटेंसी मॉडल एक सिंगल मोस्ट यूजफुल रिसोर्स है जिसके बेस पर इंडिविजुअल है अपनी खुद की परफॉर्मेंस की प्लानिंग कर सकता है. नेक्स्ट क्या बेनिफिट है, कम्युनिकेट द डायमेंशन एंड रिक्वायरमेंट फॉर वर्क एज इंडिविजुअल माइट एस्पायर टू डू एट सम फ्यूचर टाइम इन दियर लाइफ कैरियर. कॉम्पिटेंसी मॉडल में बेसिकली लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसीज होती हैं उस जॉब के लिए भी और हायर जॉब के लिए भी. तो एम्प्लॉयज कॉम्पिटेंसी मॉडल को चेक कर ये पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर में अपने लाइफ कैरियर में वो इस सेक्टर में ग्रोथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या ये सेक्टर उनके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है. कॉम्पिटेंसी मॉडल है वो सभी एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है कि वो अपने वर्क में एक्सेल कर सकें और अपनी परफॉर्मेंस को दे सकें. कॉम्पिटेंसी मॉडल बेसिकली ओपन डोर पॉलिसी है, न्यू पॉसिबिलिटीज़ के लिए डोर ओपन करता है जिससे कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें. ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं वो कॉम्पिटेंसी मॉडल के थ्रू अपने कॉम्पिटेंसीज को डेवलप कर सकें. अब नेक्स्ट आ जाता है नीड ऑफ कॉम्पिटेंसी मॉडल टू कैरियर प्रैक्टिशनियर्स. कैरियर प्रैक्टिशनियर बेसिकली कैरियर काउंसलर्स होते हैं जो कि किसी इंडिविजुअल को या ऑर्गेनाइजेशन को जो उनसे सर्विसेज लेते हैं उनको कैरियर की गाइडेंस देते हैं. बेसिकली चाहे वो प्राइवेट प्रैक्टिस करें वो कैरियर प्रैक्टिशनर, या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने भी कैरियर काउंसलर बना रखा है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं उनके कैरियर की काउंसलिंग करता है, तो उनको भी कॉम्पिटेंसी मॉडल की ज़रूरत होती है क्योंकि उनको अगर हर जॉब के लिए हर डेजिग्नेशन के लिए क्या क्या कॉम्पिटेंसीज की रिक्वायरमेंट होती है इसका पता रहे तो वो सही तरीके से एडवाइस दे सकते हैं. तो उनको इसकी ज़रूरत क्यों होती है कॉम्पिटेंसी मॉडल की,
क्योंकि कंपिटेंसी मॉडल कैरियर प्रैक्टिशनर्स को हेल्प करता है जिससे कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या इंडस्ट्री के स्ट्रेटेजिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अंडरस्टैंड कर सकें, चाहे वो उनके जिनकी वो सर्विस दे रहे हैं या वो खुद की कंपनी के। सेकंड क्या है, कंपिटेंसी मॉडल है वो कैरियर प्रैक्टिशनर्स को डिटेल इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग एम्प्लॉय या जो उनके क्लाइंट्स हैं उनकी वर्क परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देता है। तो कंपिटेंसी मॉडल सारे मेजर इंफॉर्मेशन सोर्सेज दैट गिव्स द कैरियर प्रैक्टिशनर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिमांड्स प्लेस्ड अपॉन देयर क्लाइंट इन द वर्क प्लेस। कंपिटेंसी मॉडल है वो कैरियर प्रैक्टिशनर्स को की रिसोर्स प्रोवाइड कराता है जो कि उसके बेस पर वो आगे अपने क्लाइंट्स को सर्विस या असिस्टेंस प्रोवाइड करा सकते हैं। की इंफॉर्मेशन है वो कंपिटेंसी मॉडल के द्वारा कैरियर प्रैक्टिशनर के द्वारा अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कराई जाती है जिससे कि वो अपने रिज्यूमे में अपनी कंपिटेंसीज को नोट डाउन कर सकें लिख सकें। कैरियर प्रैक्टिशनर को कैरियर कंपिटेंसी जो मॉडल है वो हेल्प करता है कि उन्हें अपने क्लाइंट की रेंज पता चल जाती है, उनके वर्क कितना सोफिस्टिकेटेड है ये पता चल जाता है, और ये भी पता चल जाता है कि फ्यूचर में वो इस वर्क को कैरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, कैरियर प्रैक्टिशनर्स को जो कंपिटेंसी मॉडल है वो कॉमन इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क है प्रोवाइड कराता है किसके लिए, जिसके की थ्रू वो ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं मैनेजर्स हैं सुपरवाइजर्स हैं स्पेशलिस्ट हैं उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं किसके रिगार्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन में वर्क के रिगार्डिंग, कैसे वर्क होना है कैसे उसे अकम्प्लिश करना है, क्या उनके क्लाइंट्स की नीड्स हैं इंटरेस्ट है वैल्यू है और टैलेंट है। अब नेक्स्ट आ जाता है बिल्डिंग ए कंपिटेंसी मॉडल। तो कंपिटेंसी मॉडल को कैसे बिल्ड किया जाए या कैसे जो लिस्ट ऑफ कंपिटेंसीज हैं उनको निकाला जाए, तो फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। सेकंड, ऑब्टेन जॉब इन डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट, कंडक्ट सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ स्किल्स। नेक्स्ट, जर्नल लिस्ट ऑफ कंपिटेंसीज। नेक्स्ट, इंडिकेट प्रोफिशिएंसी लेवल। नेक्स्ट, वैलिडेट कंपिटेंसी एंड प्रोफिशिएंसी लेवल्स। नेक्स्ट, प्रिपेयर कंपिटेंसी मैट्रिक्स। और लास्ट क्या है, मैपिंग ऑफ कंपिटेंसी। तो जो अभी हमने ये मॉडल पढ़ा है उसमें जितने भी स्टेप्स था उनको अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट, आइडेंटिफाई डिपार्टमेंट्स फॉर कंपिटेंसी मैपिंग। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में जिस डिपार्टमेंट के लिए कंपिटेंसी मॉडल यानी कि लिस्ट ऑफ कंपिटेंसीज को निकालना है उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्योंकि हर डिपार्टमेंट के लिए कंपिटेंसी मॉडल अलग अलग होगा। सेकंड, आइडेंटिफाइंग हायरार्की विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड सिलेक्शन ऑफ लेवल्स। अब आपने जो डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया है उसमें जो डिफरेंट हायरार्कीज या लेवल हैं उनको आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो कंपिटेंसी मॉडल को मेजर कर रही है, कंपिटेंसी मॉडल डेवलप कर रही है और उसके लिए उसने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को सेलेक्ट किया है, तो फिर जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डिफरेंट लेवल्स हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर ब्रांच मैनेजर रीजनल मैनेजर जोनल मैनेजर कंट्री मैनेजर ये हमने आइडेंटिफाई कर लिए। फिर नेक्स्ट क्या है, ऑब्टेन द जॉब डिस्क्रिप्शंस। हर लेवल या हायरार्की के अलग अलग ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिन्हें हम जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो एवरी हायरार्की वी विल ऑब्टेन द जॉब डिस्क्रिप्शन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन को निकालने का बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी होता है और एम्प्लॉय को भी होता है। एम्प्लॉय को क्या होता है कि अगर उसे अप टू डेट जॉब डिस्क्रिप्शन मिलता है तो उसे अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता रहता है, उन ड्यूटीज की इम्पोर्टेंस का पता रहता है और उन्हें ये पता रहता है कि उनका जो लेवल या डेजिग्नेशन है कैसे ऑर्गेनाइजेशन के विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कंट्रीब्यूट कर रहा है। और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने अलग अलग लेवल्स के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन बनाती है तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस इंक्रीज होती है। कैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें पता है तो ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क है वो स्टाफ को अलाइन कर देती है अपने ऑर्गेनाइजेशन के मिशन के अकॉर्डिंग, और इसके थ्रू जितने भी नए एम्प्लॉयज हैं उनको पता चल जाता है कि उनकी उस डेजिग्नेशन पे क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और अगर कोई न्यू ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने बनाई है तो भी आपको पता रहता है कि कौन से एम्प्लॉयज उन नई ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्या आएगा स्टेप 4, प्रिपरेशन ऑफ सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अब हर लेवल पर जो एम्प्लॉयज होंगे उनसे आपको कॉम्पिटेंसीज को निकलवाने के लिए इंटरव्यू लेना पड़ेगा, तो उस इंटरव्यू की प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, कितने क्वेश्चंस होंगे, कब लेना है इंटरव्यू, कहां पर लेना है इंटरव्यू और क्या क्या उस इंटरव्यू में हमें क्वेश्चंस पूछने हैं। फिर नेक्स्ट क्या जाएगा स्टेप 5, शेड्यूलिंग ऑफ इंटरव्यूज। जब एक बार आपको डिपार्टमेंट से डेजिग्नेशन से लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज मिल गई तो आप उनके HOD या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ मिलकर उनके इंटरव्यू की क्या करोगे, शेड्यूलिंग करोगे। तो कम से कम हर लेवल पर 5 एम्प्लॉयज होने चाहिए जिनका आप इंटरव्यू ले सको। फिर स्टेप 6 क्या हो गया, रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरव्यू डिटेल्स। कैंडिडेट से अब आप इंटरव्यू लोगे, उनसे क्वेश्चंस पूछोगे, वो उसका जो आंसर देंगे आप उसे क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। नेक्स्ट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ए लिस्ट ऑफ स्किल्स। अब जब इंटरव्यू एक लेवल के लिए हो गया तो जो भी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया था उन्होंने जो जो स्किल्स बताई थी उन स्किल्स की एक लिस्ट को आप प्रिपेयर करोगे। देयर ऑन ए लिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइड कॉम्पिटेंसी शुड बी ड्रॉन फॉर ईच इंटरव्यूड कैंडिडेट्स। फिर स्टेप 8 क्या हो जाएगा, रिपीट फॉर नेक्स्ट लेवल्स एंड फंक्शंस। तो इसी तरीके से इन्हीं एक्टिविटी को हर लेवल पर और हर फंक्शन पर आप रिपीट करोगे। जैसे आपने असिस्टेंट मैनेजर्स के लिए कर लिया, फिर ब्रांच मैनेजर्स के लिए कर लोगे, फिर रीजनल मैनेजर्स के लिए कर लोगे। तो जब तक रिपीट करते जाओगे जब तक कि सारे लेवल्स पर ये इंटरव्यू ना हो जाए। फिर नेक्स्ट क्या है स्टेप 9, मेक द लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड फॉर द डिपार्टमेंट फॉर ईच लेवल एंड ईच फंक्शन गिविंग बिहेवियरल इंडिकेटर्स। अब आपने हर पोजीशन के लिए डिपार्टमेंट में कॉम्पिटेंसी के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करा लिया है, अब आपके पास हर लेवल के लिए जो रिस्पोंडेंट्स ने रिस्पॉन्स दिया है उसके बेस पर लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसीज आ गई है, तो आप उसके बेस पर हर लेवल पर क्या क्या कॉम्पिटेंसीज चाहिए उनकी एक लिस्ट बना लोगे। ब्रांच मैनेजर के लिए क्या कॉम्पिटेंसीज चाहिए, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के लिए क्या कॉम्पिटेंसीज चाहिए, एग्जीक्यूटिव के लिए क्या कॉम्पिटेंसीज चाहिए, रीजनल मैनेजर के लिए क्या कॉम्पिटेंसीज चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या आएगा स्टेप 10, वैलिडेट आइडेंटिफाइड कॉम्पिटेंसीज एंड प्रोफिशिएंसीज लेवल विद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। जब एक बार हर लेवल के लिए कॉम्पिटेंसीज निकल कर आ गई तो जो सुपीरियर है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनसे हम वैलिडेट कराएंगे क्या ये कॉम्पिटेंसीज सही है या नहीं है। अगर वो वैलिडेट कर देता है तो हम उन कॉम्पिटेंसीज को फाइनल कर स्टेप 11 पर आएंगे, नहीं तो हम उन कॉम्पिटेंसीज को वापस से मेजर करेंगे। इसके अलावा अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उस कॉम्पिटेंसी को मेजर नहीं करता है तो हम काफ़ी सारे अलग अलग मॉडल्स हैं, मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम उस कॉम्पिटेंसी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से मेथड्स होंगे उन्हीं को ही अब हम आगे क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन रेप्लीकेट। आपने अभी हर डिपार्टमेंट पर हर लेवल पर मिनिमम है 5 एम्प्लॉयज का इंटरव्यू लिया है, अब आप बचे हुए और 5 या 10 एम्प्लॉयज का इंटरव्यू लोगे और चेक करोगे उन्होंने जो कॉम्पिटेंसीज बताई हैं और जो पहले आप लोगों ने 5 एम्प्लॉयज का इंटरव्यू लिया था उन्होंने जो कॉम्पिटेंसीज बताई थी वो सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम है तो वैलिडेट हो जाएगा, अगर डिफरेंट है तो हम आगे और चेक करेंगे। सेकेंड क्या है, एडजुडिकेटर्स, इंडिपेंडेंट जूरी या जजेज जिनको एक्सपर्ट नॉलेज होती है वो अपने प्रोफेशन में बेस्ट हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं। वो जूरी मेंबर्स इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स होते हैं, वो अपने ओपिनियन देते हैं कि ये कॉम्पिटेंसी सही है या नहीं है। नेक्स्ट क्या है, सर्वे, सेंड ए सर्वे टू ए सेलेक्टेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। हम सर्वे कराते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनमें से हम कुछ को रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं और उनसे ये सर्वे में क्वेश्चनेयर भेजते हैं और जो कॉम्पिटेंसीज हैं उनसे हम उनकी रैंकिंग कराते हैं, उन्हें बताते नहीं है कि हमें ऑलरेडी पता है कि कौन सी कॉम्पिटेंसीज हैं वो ज़रूरत है या नहीं है। और फिर रिजल्ट को वैलिडेट करते हैं कि जो पहले हमने स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में कॉम्पिटेंसीज पूछी थी वो और जो सर्वे के थ्रू कॉम्पिटेंसीज आई हैं वो सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो हम वैलिडेट कर देंगे, नहीं तो हम वैलिडेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है, डिपार्टमेंटल फोकस ग्रुप।
ईच डिपार्टमेंट और ए क्रॉस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिपार्टमेंट्स परफॉर्म द रैंकिंग एज ए ग्रुप। तो इसमें हम डिपार्टमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट के, लेकिन ये इंटरनल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करते हैं और उनसे उन कॉम्पिटेंसीज की रैंकिंग करने को बोला जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल फोकस ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन। परफॉर्म 1-to-1 इंटरव्यूज एंड ऑब्जर्वेशंस विद ए रैंडम नंबर ऑफ लीडर्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन टू डिटरमाइन विच कॉम्पिटेंसीज दे परफॉर्म एंड टू गेट देयर ओपिनियंस ऑफ विच वन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ देयर जॉब। तो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी टॉप लीडर्स होते हैं, अच्छे परफॉर्मर होते हैं, हम उनसे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू लेते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं कि क्या कॉम्पिटेंसीज हैं, वो किस डेजिग्नेशन के लिए होनी चाहिए, उसके बेस पर हम उसे वैलिडेट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, बेंचमार्किंग। हमारे जो कॉम्पिटेंसीज के रिजल्ट हैं, हम उसको जो बेस्ट ऑफ द क्लास ऑर्गेनाइजेशन हमारी इंडस्ट्री में होती है उसके साथ कंपेयर करते हैं, बेंचमार्क करते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्रिटिकल बिहेवियर इंटरव्यूज। इन्वेस्टिगेट्स द एट्रीब्यूट्स ऑफ द सुपीरियर एंड एवरेज परफॉर्मर थ्रू द यूज ऑफ क्रिटिकल बिहेवियर इंटरव्यू। तो इसमें जो सुपीरियर और एवरेज परफॉर्मर्स होते हैं, हम उनका इंटरव्यू लेते हैं, क्रिटिकल बिहेवियर इंटरव्यू लेते हैं। इस इंटरव्यू में जो इंडिविजुअल है उसे डिस्क्राइब करना होता है कि किन वर्क सिचुएशंस में वो इफेक्टिव रहे और किन में वो इनइफेक्टिव रहे। जो इंटरव्यूअर है उसे ये नहीं पता कि जिस पर्सन का इंटरव्यू किया जा रहा है वो एवरेज है या सुपीरियर परफॉर्मर है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, मिनिमम कॉम्पिटेंसीज हमें पता चल जाएंगी जो एवरेज और सुपीरियर परफॉर्मर दोनों पर अप्लाई होंगी, और मेजर कॉम्पिटेंसीज पता चल जाएंगी जो कि केवल सुपीरियर परफॉर्मर पर एम्प्लॉय होती है। तो यहाँ पर जो एम्बिकेंट्स हैं वो रेट करते हैं कॉम्पिटेंसीज को इन टर्म्स ऑफ देयर इम्पोर्टेंस फॉर सुपीरियर जॉब परफॉर्मेंस। अब नेक्स्ट क्या जाएगा, स्टेप 11, प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स। जब हमारी कॉम्पिटेंसीज जो हमने ईच लेवल के लिए निकाली हुई थी वो वैलिड हो जाती हैं, तो हम जॉब के लिए कॉम्पिटेंसीज की लिस्ट बना देते हैं, या एक तरीके से कहें तो हम कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स को प्रिपेयर कर देते हैं। और फिर लास्ट क्या है, मैपिंग ऑफ कॉम्पिटेंसीज। अब जो एम्प्लॉयज की कॉम्पिटेंसीज हैं उनको वो जो लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसीज थी उनके साथ मैप कर दिया जाता है। तो मैप द कॉम्पिटेंसीज ऑफ सेलेक्टेड एम्प्लॉयज अगेंस्ट द कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स एज पर देयर एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर एम्प्लॉय की एक्चुअल प्रोफिशिएंसी लेवल है वो हमें पता चल जाएगा। तो इसी के साथ जो हमारा कॉम्पिटेंसी मॉडल है वो क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। अब नेक्स्ट इसमें क्या आता है, डेटा कलेक्शन मेथड्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्पिटेंसी मॉडल। जब हम कॉम्पिटेंसी मॉडल का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बेसिकली हम डेटा को ही कलेक्ट कर रहे हैं। तो डेटा कलेक्शन के कौन कौन से मेथड हैं, फर्स्ट है लिटरेचर रिव्यू, प्रिलिमिनरी अप्रोच है जिसके थ्रू हमें जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब कंटेंट के बारे में पता चल जाता है। तो इसके सोर्स क्या है, पब्लिश लिटरेचर इंक्लूड बुक्स, प्रोफेशनल जर्नल्स, एसोसिएशन मैगजीन्स, थीसिस, डेजर्टेशंस। तो अनपब्लिश स्टडी में भी अवेलेबल फ्रॉम प्रोफेशनल एसोसिएशन, कंसल्टिंग फर्म, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी जो कि टारगेट जॉब के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम या कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, और इंटरनेट के थ्रू भी हमें इंफॉर्मेशन पता चल जाता है। सेकेंड क्या है, फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप में एक जो फैसिलिटेटर होता है वो जो जॉब इंक्यूबमेंट्स होते हैं उनके मैनेजर, सुपरवाइजर्स, क्लाइंट्स, उन सब के साथ एक मीटिंग करता है, और उन सब के साथ मीटिंग कर क्या क्या कॉम्पिटेंसीज चाहिए होती हैं उन कॉम्पिटेंसीज के लिए वो डेटा को कलेक्ट करता है। नेक्स्ट क्या है, बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यूज। बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यूज में जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको इंडिविजुअली इंटरव्यू किया जाता है कि उन्होंने क्या किया, उनके क्या विचार हैं, उनको अलग अलग सिचुएशंस में क्या क्या चैलेंजेज आए, और उन्होंने किन कॉम्पिटेंसीज को शो किया, उसके बेस पर है कॉम्पिटेंसीज से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, सर्वे। सर्वे में बेसिकली जो जॉब इनकम्बेंट्स होते हैं उनके सुपीरियर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स होते हैं, उनको एक क्वेश्चनेयर दिया जाता है, चाहे वो प्रिंट हो चाहे वो ईमेल में हो। उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली जो हमने इंटरव्यू, फोकस ग्रुप और लिटरेचर रिव्यू के थ्रू कॉम्पिटेंसीज के लिए जो डेटा कलेक्ट किया था उसके बेसिस पर बनाते हैं, और जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनको उसमें जो कॉम्पिटेंसीज हैं उनको रैंकिंग देनी
होती है, उसके बेस पर हमें जो कॉम्पिटेंसीज के रिगार्डिंग डेटा है वो कलेक्ट होता है। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जर्वेशंस। इस डेटा कलेक्शन मेथड में जो रिसर्च टीम है वो हाई परफॉर्मर्स एम्प्लॉयज को विजिट करती है और उनको उनके काम करते टाइम ऑब्जर्व करती है, देखते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स जॉब को डिफरेंट वर्क सिचुएशंस में कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे अपनी कॉम्पिटेंसीज को शो करते हैं, और उसके बाद उनसे जो डेटा है वो डेटा कलेक्ट किया जाता है। और लास्ट क्या है, वर्क लॉग्स। इन द वर्क लॉग मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन जॉब इनकम्बेंट्स एंटर इनटू लॉग्स और डायरीज देयर डेली वर्क एक्टिविटीज विच स्टॉप एंड स्टार्ट टाइम्स फॉर ईच एक्टिविटी। तो इसमें जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको डेली अपनी जो भी एक्टिविटी है उसका स्टार्टिंग टाइम और फिनिश टाइम लिखना पड़ता है, उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज़ की ये बतानी पड़ती है, और उसके बेस पर हम वहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो वर्क लॉग है ये कुछ दिनों की, कुछ महीनों की और कुछ वीक्स की भी हो सकती है। तो इसी के साथ ही आपका जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 36, जिसमें हमने नीड डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी मॉडल को डिस्कस किया है, कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।